हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सलूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से पता नहीं चलता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ व्हाट्सएप नंबर भी डाल रखा है, जहाँ आप सभी बच्चे पहुँच कर अपनी जो भी प्रॉब्लम है मेरे तक लाओ, उससे रिलेटेड जो भी सलूशन होगा मैं आप सभी स्टूडेंट तक देने की कोशिश करूँगा। और अभी जो है कुछ टाइम पहले जो आज जो है खट्टर जी ने जो ऐलान किया है, जो आप लोगों के कॉलेज के डेट जो है ओपनिंग होने के एक्सटेंड हुए, और साथ साथ लॉकडाउन का भी जो हरियाणा में जो कुछ डेट जो है वो एक्सटेंड हुआ, एक वीक का जो आप लोगों का लॉकडाउन था वो बढ़ाया गया, तो इससे रिलेटेड काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे, तो क्या सर ये रियल है या फेक है, ऐसा है वैसा है, तो समझिए। सबसे पहले काफ़ी बच्चों क्वेश्चन थे, सर हरियाणा लॉकडाउन कितने दिन का एक्सटेंड हुआ है, कॉलेज ओपनिंग डेट, उसके बाद ऑफलाइन क्लास होने के क्या चांस है सर, एग्जाम डेट चेंज होने के चांस, ये सारा कुछ जो अभी का जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, 3 घंटे पहले सभी तक जो अक्सर बच्चों ने कॉल करके भी और व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया, जो सर इनसे रिलेटेड आप हमें अपडेट दीजिए। देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जो मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को कहा था, जो भी अदर स्टेट के बच्चे हो वो अपने अपने स्टेट निकल जाओ, जो बच्चे माने वो भाई अपने अपने स्टेट चले गए, तो वो अभी के टाइम में सुखी है, संपन्न है। बेचारे बात भी होती है, बच्चों का कॉल भी आता है तो कहते सर आपने सही किया, आपने हम लोगों को बताया, हम गांव आए, खुश है। और जो बच्चे रिटर्न लेते थे, ऐसे ऐसे स्टूडेंट है संसार में जो कहते सर आप ये चीज रिटर्न लिख के दो, जो हमारा कॉलेज यार आपका गोयल जो है वो तो आपको रिटर्न कोई चीज देता ही नहीं, जो गोयल सर जो है वो अभी पता नहीं पेपर आपने दिखा ही होगा चेकिंग ऐसे करते, उनके हाथ में तो वो तो कुछ रिटर्न देते ही नहीं। अगर मैं आप लोगों को किसी सोर्सेस से बताता हूँ तो मैं चीज आपको रिटर्न कैसे दे दूँ, जो बच्चे बात मान लेते हैं वो अपने खुशी रहते हैं, या एग्जाम से 2 दिन पहले क्वेश्चन ही बताना हो क्वेश्चन बताता हूँ, जो मान के पढ़ते हैं वो बेचारे खुश है, जिन जो बच्चे विश्वास पे नोट्स लेते हैं नोट्स से पढ़ते हैं वो सारे संपन्न खुशी हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चे सच पे अरे नहीं झूठ बोल रहा है अफवाह फैला रहा है, देखो एक होता है ना जब बंदे कोई शॉर्ट टर्म चलना रहता है तो वो एक पल को आपको झूठ भी बोल देगा, लेकिन लॉन्ग अगर आपको चलना है तो आप कभी भी अफवाह, और मुझे अफवाह फैला के मिलेगा क्या, आप मुझे ये बताओ, मैं आप लोगों को कितने सपोर्ट में रहता हूँ, हर चीज में मैं सपोर्ट करता हूँ, अगर मैं ही अफवाह फैलाने लग जाऊँ तो सबसे पहले आप तो छोड़ दो, आप तो एक पल को इग्नोर भी कर दोगे, बट जो आपके महामहिम जी जो है एचएसबीटी के सेक्रेटरी साहब, अगर उन्हें जिस दिन मेरे अंदर एक कमी दिख गई अब तो समझ लो मेरा तो बस ऐसे, लेकिन ऐसे भी हल्के नहीं है भाई जो ये कुछ कर देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ देखो हरियाणा लॉकडाउन जो एक्सटेंड हुआ है आप लोगों को पता होगा 7 डेज के लिए हुआ है, ये उन लोगों जैसे दुकान वकान जो है वो आप लोगों के कुछ ऐसा ही चेक कर करके इन्होंने किया, लेकिन मेन जो हमारा है कॉलेज ओपनिंग डेट, अभी तक आज के अपडेट के अकॉर्डिंग आप लोगों के कॉलेज जो है 15/6/2021 को खुलेंगे, लेकिन एक बात मैं बता दूं ये भी कंफर्म नहीं है जो आपके कॉलेज खुलेंगे, ये बात आप लोग कंफर्म समझो, बस राजेश गोयल सर का एक अपना पता नहीं उनका, या तो हो सकता है जो उनका ईगो हट हो रहा हो पेपर ऑनलाइन लेने में, बहुत कुछ ऐसा है, लेकिन अभी का कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है जो पेपर ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाए, मेरे अकॉर्डिंग मानो या फिर आप कहीं भी सर्वे कर लो तो कम से कम 4 से 5 महीने अभी कोई भी कॉलेज स्कूल को खोलने नहीं चाहिए, लेकिन हमारे गोयल जी हैं उनको तो बिल्कुल ऐसे ही पता नहीं उनका कौन सा ईगो हट होता है मुझे समझ ही नहीं आता, हर बोर्ड पेपर ऑनलाइन करवा रहा है, हर यूनिवर्सिटी कह रहा है हम पेपर ऑनलाइन लेंगे, लेकिन हमारे गोयल साहब कहते ना तुम कुछ भी कर लो हम तो पेपर भाई ऑफलाइन ही लेंगे, लेकिन अभी का कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है ऑफलाइन पेपर का, क्योंकि देखो ये जो बीमारी आपने नाम से सुना होगा कोरोना, साला चाइनीज आज तक फोन नहीं मेरे हाथ में टिका है अच्छे से, लेकिन पता नहीं बीमारी इतना भाई पता है ओरिजिनल, अभी तक अगर मेरे से कोई पूछे जो चाइना में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज ओरिजिनल आए, क्योंकि आपको पता होगा वो जो ओरिजिनेट हुआ ओरिजिनेट पॉइंट क्या है वुहान है चाइना का, तो अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं सबको एक ही बात कहूंगा, जब भी तक अगर कुछ भी ओरिजिनल चाइना से आया है वो तो कोरोना है, और तो मैं किसी पे भी ये ऐसा इन्होंने ओरिजिनल भेज दिया जो जमराज से नीचे तो बातचीत ही नहीं है भाई, अगर आपको कोरोना हो जाता है तो ऐसे मान लो जो यमराज आपसे आके मिल जाएंगे और उनके मूड पे होगा, जैसे गोयल जी के मूड पे ऑनलाइन पेपर या ऑफलाइन, तो वो उनके मूड पे होगा, हाँ भाई छोड़ने का मन है दया आ गया तो छोड़ दो, वरना साथ ही लेके चले जाते हैं, तब भी कंडीशन देखते हुए भी हमारे सर कहते ना भाई हम तो पेपर ऑफलाइन लेंगे, लेकिन मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ बाबू देखो ऑनलाइन ऑफलाइन ये एक अलग कंडीशन है, अपनी तैयारी में लगे रहो अपनी तैयारी करो, लेकिन जो हमारी मांग है भाई जब पूरी दुनिया ऑनलाइन लेगी तो हम क्यों ऑफलाइन देंगे भाई, कोई नहीं देने वाला ये बात तो कंफर्म रहो,
जब सब ऑफलाइन देंगे हम भी ऑफलाइन देंगे, जब कोई ऑफलाइन नहीं देगा तो हम ही क्यों दे, हम भी नहीं देंगे, बात खत्म है। या कुछ भी कर लो, हम भी आगे भी देखते हैं क्या करना क्या नहीं। उसके बाद एक कॉलेज ओपनिंग डेट 15/6/2021 अभी तक के अकॉर्डिंग, लेकिन इसे भी अफवाह मान लो। मैं कह रहा हूं ना, अगर सरकार खट्टर जी पे प्रेशर भी है और ये जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि अभी का कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है जो, क्योंकि देखो भाई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास ना 10-15-20 बच्चे बंदे पढ़े लिखे होते हैं, वो उन्हें अच्छा एडवाइस देते हैं, लेकिन हमारे सेक्रेटरी सर पता नहीं अपना पीए किसे रख रखे हैं, क्या एडवाइस देते हैं, सेक्रेटरी सर के दिमाग में क्या चलता है, कहते हैं ऑनलाइन पेपर ले लूंगा, बच्चे चीटिंग कर जाएंगे, चीटिंग करके पास हो जाएंगे। अरे मेरे साहब, इतने बोर्ड या इतने यूनिवर्सिटी जो पेपर ऑनलाइन लेता है, तो इसका कहने का मतलब आप लोग उन पे ऑब्जेक्शन लगा रहे हो जो भैया तुम लोग पेपर ऑनलाइन लेके गलत कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे चीटिंग करके पास हो रहे हैं। अपना आप थोड़ा जो ये इससे पहली बार जो आपने कौन सा व्यू बॉक्स को लिया था ऑनलाइन पेपर, थोड़ा उन्हें बदलो, थोड़ा पैसा लगाओ गोयल जी, क्यों नहीं पेपर ऑनलाइन होगा, आप उस टाइप से सॉफ्टवेयर डालो, पेपर ऑनलाइन क्या इतने बताओ। ये आप लोग देखो एसएससी जेई का पेपर ऑनलाइन होता है, एसएससी के एक्सेल पेपर ऑनलाइन होते, तो वो तरीके से होते हैं। ये नहीं व्यू बॉक्स को खरीद लाया, पता नहीं साला उसका कभी नेट जा रहा है, कभी उसका खुद का काम पता नहीं चल रहा है, किस बच्चे का लिंक नहीं खुल रहा है, तो ये भी है। तो मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, कोई अच्छा वेंडर लाइए थोड़ा जो पेपर अच्छे से कंडक्ट करवाए, बहानाबाजी छोड़िए। आपने तो अपनी सारी रियलिटी दिखाई दी है, आपने फर्स्ट और सेकंड असेसमेंट का रिजल्ट दिया, जो बच्चे उस सब्जेक्ट में पास थे उन्हें फेल कर दिया, बच्चों ने री एक में भरी आपने रिजल्ट दो में दे दिया, तो आप तो धन्य, आपकी तो जितनी तारीफ की जाए चोर होने के सारे कम है मेरे अकॉर्डिंग। अब आगे आपकी मर्जी, आपको लगता होगा आप अच्छे आदमी हो तो हो। उसके बाद क्या है, ऑफलाइन क्लासेस होने के चांस, आप बच्चे क्या ऑफलाइन क्लास होगा, जून आ गया, जुलाई में इन्होंने पेपर का डेट दे दिया, 15 दिन में क्या उखाड़ लोगे मुझे ये बताओ। और ऑनलाइन क्लासेस तो आपके इतने अच्छे चल रहे, वाह जी, मन खुश हो जाता है जब कोई बच्चा कोई लिंक भेजता है, और मैं जब कभी बाई चांस बहुत क्लासेस में ज्वाइन हो जाता हूँ तो देखता हूँ, तो कहते नहीं क्या क्लास में एंट्री होते ही मौत सा आ जाता है, जो भाई क्या पढ़ रहे एकदम बिल्कुल ऐसे इंजीनियरिंग कर रहे, ये कहते हैं। अब बहाना देखना आने वाले टाइम में, अगर सीबीएसई ने भी कह दिया जो हम पेपर ऑफलाइन ऑनलाइन लेंगे तो ये कहेंगे भैया हम तो टेक्निकल डिग्री देंगे। अरे मेरे साहब, टेक्निकल डिग्री जब आप दोगे तो इतने भी यूनिवर्सिटी तो है जो टेक्निकल डिग्री दे रहे, वो भी तो पेपर ऑनलाइन ले रहे हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, आपका कहने का मतलब उनकी डिग्री फिर फ्रॉड है। ये बहानाबाजी छोड़िए गोयल जी, और थोड़ा अच्छे से सोचिए बच्चे के बारे में। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ जो ऑनलाइन पेपर लो ताकि हमारे पास पैसे आ जाए, आपको पता है ऑफलाइन आना तभी भी आपका फायदा, ऑनलाइन होगा तभी भी आपका फायदा, मेरा तो ना ऑनलाइन में फायदा है ना ऑफलाइन में फायदा, लेकिन मैं बच्चों को यमराज के पास जाने से बचा रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ जो गोयल जी अब थोड़ा सोचिए, और टाइम कम है, अभी से अपने आप को वेंडर सेलेक्ट कीजिए, आने वाले टाइम में बच्चे लीड के पेपर देंगे, उनके लीड के तैयारी करेंगे, या आपके आप ऑफलाइन पेपर लोगे, 15 दिन में आप कॉपी चेक कर दोगे, पता नहीं आपने कॉपी कैसा चेक किया है, भगवान क्या आपके बारे में तो कहना ही कम है, छोड़ो मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। उसके बाद एग्जाम डेट चेंज होने के चांस, कहां से ये एग्जाम लेंगे मुझे ये बताओ, 15 जून तक इन्होंने कॉलेज सारे बंद कर दिए, इनका 21 तारीख को डेट है, 21 से लेकर 28 के बीच में, 28 जून तक आप पीसीए अप्लाई कर सकते हो। अब जब पीसीए ही 28 को अप्लाई होगा तो उसके कम से कम 10 से 15 दिन बाद आप लोगों का डेट शीट आएगा, 10 से 15 दिन बाद, उसके 10 से 15 दिन बाद आप लोगों के पेपर होंगे, और उसके 10 से 15 20 25 अंकल जी की मर्जी वो 7 दिन में ऑफलाइन का रिजल्ट दे सकते हैं। मुझे पता है कॉपी चेक करना नहीं है, ओ एक अच्छा सा कोई टैपिस्ट को बिठाएंगे, वो टैपिस्ट एकदम मजे में पता नहीं कौन सा गांजा फूंक के बैठा रहेगा, धराधर 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 30 20 22 25 28 29 52 56 58 72 82 92 102 लगा देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस अगर ये बनाओ जो कहीं ऐसा भी ना हो जाए जो एचएसबीटी में आने वाले टाइम में रिजल्ट 100 में से 101 भी आप देखोगे, जिस अकॉर्डिंग मैंने इनका रिजल्ट देखा फर्स्ट और सेकंड असेसमेंट का, मुझे लग रहा है जो कहीं ऐसा ना हो जो इन्होंने ऐसा टेपिस्ट बिठा रखा हुआ जो सारा 100 में से 102 ना दे दे, 110 ना दे दे, मुझे इसी बात का डर है। बदनामी बस इतनी बची है बाद में कि मैंने सारा कुछ सबूत में बता रखा है। अगर गोयल जी को लगता है मैं अफवाह फैला रहा हूँ तो सर आप जाके देखिए मेरा कल का वीडियोज, मैंने क्लियर सबूत के साथ आपको सारा कुछ दिखा रखा है। और कल का टाइम मैं सभी बच्चों से कहूंगा, आप सभी बच्चे अपना ट्विटर जो है अपने फोन में डाउनलोड करके चलाना सीख लो। कल अगर ये 5 बजे तक कुछ नहीं कहते, 7 से 7:30 के बीच में बिल्कुल एक ही ट्विटर पे हैशटैग चलेगा HSBT Result Chore with Saboot, मैं डालूंगा, आप लोग बस उसे रिट्वीट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साले इनकी देखो ना बहुत गलत किया, बहुत पैसा मारा है इंसान ने।
एग्जाम डेट चेंज होने के चांस मैंने पहले बता दिया, तो अब 100% चेंज होने के टाइम है, इसलिए बिल्कुल अपनी तैयारी में ठोक के लगे रहो, ऐसी तैयारी करो या पेपर ऑफलाइन हो जाए या पेपर ऑनलाइन हो जाए। ऑनलाइन पेपर की मांग मैं इसलिए कर रहा हूँ, बार बार नहीं कहूंगा, जो बच्चे हमारे यमराज के पास से जाने से बच जाए। अगर पेपर इन्होंने ऑफलाइन ले लिया तो ऐसा कंडीशन है, अभी तो आपने देखा ही होगा बीच में क्या कंडीशन आ गया था, देश को लग रहा था जो हमारी सरकार है वो घुटने टेप गई, जो साला क्या होगा, बचेंगे भी या एक भी नहीं बचेंगे। लेकिन इन लोगों को तो बस अपना भाई ईगो नहीं हटाना चाहिए, अगर ये ऑनलाइन पेपर ले लेंगे तो सिविल वर्ड वाले का नाम नहीं हो जाएगा मार्केट में। अरे भैया मेरे को क्या नाम कमाना, आप बस एक बार नोटिस निकाल दो, हम पेपर ऑफलाइन ले लेंगे ऑनलाइन ले लेंगे, सिविल वर्ड वाला अपना चैनल बंद कर दे, मैं चैनल बंद करके कोई दूसरा चैनल चला दूंगा, आपसे रिलेटेड सारा टॉपिक हटा दूंगा। लेकिन कुछ तो आप बोलो, मेरा चैलेंज या मेरा कहना ना मेरा आपसे कोई लड़ाई है सर, ना कुछ है, मैं भी जैसे सब बच्चे वैसे मैं भी एक टाइम में HSBT का स्टूडेंट रहा हूं। लेकिन सर ये सब चीज देख के दुख होता है, जब आप फर्स्ट और सेकेंडरी अपेयर का रिजल्ट अच्छे से नहीं दे सकते हो, जब आप थर्ड और फिफ्थ सेम के रिजल्ट अच्छे दे, तो फिर क्या जरूरत है सर सेक्रेटरी साहब आपकी, छोड़िए किसी अच्छे बंदे को सेक्रेटरी बनाइए जो ताकि वो अपना भला करे, बच्चों का भी भला करे, बोर्ड का भी भला हो और थोड़ा नाम बोर्ड का चले। ये चीजें बदनामी वाली चीजें होती है, कल ही आप देख लीजिएगा ट्विटर पे पूरा दुनिया आपको देखेगी, जो भाई साहब पेपर बच्चा पास एक में फेल कर दिया आपने दो में, ऑल क्लियर स्टूडेंट, आप जाके उनका चेक करो, दो दो में रीडाल दी, रिजल्ट भी आ रहा है। तो मैं क्या कहूँ, अब ज्यादा कहना भी अच्छा नहीं है। चलो बच्चे मिलते हैं अगले वीडियो से, अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन से रिलेटेड, तो जो भी बच्चों की कोई प्रॉब्लम है मेरे तक पहुंचाओ और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करो और भी बच्चों को जोड़ो, ट्विटर में काम आएगा। चलो बच्चे मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।